इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इसको स्टार्ट करेंगे, जस्ट बेसिक पोर्शन इसमें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको हमने इस वाले ISC के क्लास 8 के बुक में से डिस्कस किया है, पर अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है आप फिर भी उसको समझ सकते हैं, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम टॉपिक वाइज इस बुक के हिसाब से ही लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसमें है कि रूट का डेफिनेशन हम समझेंगे। तो रूट क्या होता है, देखिए रूट इज टिपिकली नॉन ग्रीन। सबसे बड़ी बात है ना कि रूट हमारा ग्रीन नहीं होता है, इसी से आप समझ सकते हैं कि मतलब प्लांट का रूट कौन सा है। सोचिए ये हमने एक प्लांट लिया है, आप देखिए ये वाला पोर्शन नीचे वाला दिख रहा है, ये रूट है क्योंकि ये ग्रीन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इसे हमने हाथ से ये देखिए व्हाइटिश लग रहा है। ओके, ये ग्रीन है ये, लेकिन नॉन ग्रीन है, ये हमारा है नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये तो हमने देखिए प्लांट को ऐसे अपरूट करके आपको दिखा रहे हैं ना, पर असली में ये अपरूटेड हो, मतलब सोचिए कि ये मिट्टी के अंदर होता है। इतना हमने ये डायग्राम बनाया, आप इसमें भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर है ये, वो हमारा रूट होता है। ओके, टिपिकली नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, इट डज नॉट पजेस नोड्स। सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना चाहिए कि नोड्स क्या होता है। अगर बोल रहा है ना कि इसके पास नोड्स नहीं होता है, तो नोड्स क्या होता है, आप देखिए ये हमने एक स्टेम लिया है, ठीक है, आप देखिए ये नोड्स है, देख रहे हैं ये जो पार्टीशन है, असली में ये जो नोड्स होता है ना उसके थ्रू ये हमारा क्या होता है, लीव्स निकलते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है रूट इज टिपिकली नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, इट डज नॉट पजेस नोड्स लीव्स एंड बर्ड्स। रूट में देखिए लीव्स और बर्ड्स भी नहीं होते, ऑब्वियसली रूट में क्या लीव्स और बर्ड्स होंगे ना, बर्ड्स क्या होता है आपको देखना चाहिए। आप देखिए इसको अगर आप इस स्टेम को बहुत ध्यान से अगर फोकस करके देखें तो ये अंदर की तरफ देखिए बर्ड्स है, ये वाला शायद इसमें क्लियर नहीं ना हो पर आपने बर्ड्स देखा होगा, देखिए ये यहाँ पे बर्ड्स है, ठीक है, उस बर्ड्स के थ्रू क्या होता है, देखिए ये पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ से, ठीक है, ये वाला देखिए बर्ड्स है। ओके, इसके थ्रू पत्तियाँ निकलती है, ये देखिए ये वाला बर्ड है, ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ना, ये हमारा बर्ड है, ये वाला चीज बर्ड है। ओके, तो ऑब्वियसली हमारे रूट में बर्ड कहाँ होता है, तो बोल रहा है कि बट इट इज ब्रांच्ड एक्सटेंसिवली, रूट का देखिए ब्रांचिंग होता है। देखिए ये तो हमारा इतना ना, मतलब इतना सोचिए कि उतना बना हुआ नहीं है, तो थोड़ा छोटा प्लांट है ना, तो देखिए इसका उतना नहीं, फिर भी देखिए प्राइमरी सेकेंडरी रूट आप इसमें भी देख सकते हैं, प्राइमरी ये वाला देखिए इसका भी ब्रांचेस है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बट इट इज ब्रांच्ड एक्सटेंसिवली, आप ये डायग्राम देखिए ना, जितना बड़ा प्लांट होगा उस हिसाब से वो होता है, तभी ना उसको निकालना मुश्किल होता है। आप छोटे वाले प्लांट को फट से निकाल लेते, जैसे ये भी हमने एग्जांपल दिखाया, इसको वैसे आराम से निकाल के ले आए बाहर से, लेकिन अब बड़े वाले को निकालना मुश्किल है, उसका बहुत अच्छे से ब्रांचिंग होता है रूट्स में। ओके, तो इसमें बोल रहे रूट किस काम के लिए होता है, ओके, रूट का फंक्शन होता है, रूट इज वेल सूटेड टू इट्स फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, मतलब पानी से वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मतलब सॉइल में जितना भी पानी हम डालते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है, वो रूट की वजह से ही होता है कि जो पानी है वो ऊपर चढ़ता है, तभी ना ये खाना बना सकता है प्लांट। ओके, बोथ मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली, एनाटॉमी के हिसाब से और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, जैसा स्ट्रक्चर वगैरह है इसका वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। अब देखिए मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बोल रहा है कि जो हमारा रूट सिस्टम है प्लांट का, उसमें मेन रूट होता है, ये हमारा देखिए टैप रूट या मेन रूट है ये वाला, ठीक है, मेन रूट आप इसको कह सकते हैं, टैप रूट या मेन रूट या प्राइमरी रूट। ओके, इसके अलावा जो मतलब ये वाला हमारा सोचिए मेन है, ठीक है, इससे जो निकला है, मेन से जो निकला है वो हमारा लैटरल या सेकेंडरी है, ये हमारा सेकेंडरी रूट है, या इस सेकेंडरी रूट को भी हम लैटरल रूट भी कह सकते हैं। ओके, प्राइमरी मेन, ओके, सेकेंडरी लैटरल। अब इसमें से अगर लैटरल रूट में से जो निकला है, सोचिए मतलब क्या, आप ये डायग्राम देखिए बुक में बना है, देखिए ये हमारा टैप रूट प्राइमरी, उसमें से जो निकला है वो सेकेंडरी, ठीक है, उसमें से जो निकला है वो हमारा टर्शियरी, देखिए प्राइमरी है, ठीक है, ये हमारा सोचिए सेकेंडरी, उसमें से जो निकला है सोचिए वो हमारा टर्शियरी, देखिए ये प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी, अगर हो गया इसमें से ये निकला है ना, तो ये हमारा टर्शियरी, और वो टर्शियरी में छोटे 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 पानी एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं, जो छोटे छोटे वो होते हैं, छोटे 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 होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर या टर्शियरी रूट, ठीक है। अब देखिए मिलियन और बिलियन से रूट हेयर होते हैं, बहुत रूट हेयर होता है, क्योंकि यही जो रूट हेयर है ना, ये रूट हेयर है, यही हमारा हेल्प करता है पानी को एब्जॉर्ब करने में। आप देखिए चैप्टर में लिखा है, बुक में कैसे लिखा है ये पढ़ सकते हैं आप, मॉर्फोलॉजिकली द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट, इट गिव्स आउट ब्रांचेस कॉल लैटरल और सेकेंडरी रूट्स, द लैटरल रूट्स इन टर्न बियर्स लार्ज नंबर ऑफ फाइन आउटग्रोथ्स कॉल रूट हेयर और टर्शियरी रूट। मैंने कहा है कि रूट हेयर ही हमारा टर्शियरी रूट है। ओके, द नंबर ऑफ रूट हेयर्स पर प्लांट इन मिलियंस एंड बिलियंस, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द रूट हेयर्स, ठीक है, मतलब कि रूट हेयर ही हमारा टर्शियरी रूट है, ये बात आपको ध्यान में देना है, ठीक है, क्योंकि जो डायग्राम बना है बुक में उसमें प्राइमरी है, ठीक है, सेकेंडरी उससे निकलता हुआ,
ओके और उसके बाद उससे निकलता हुआ टर्शियरी वही रूट हेयर है, मतलब ये छोटे 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 होते हैं ना वो रूट हेयर है हमारे, उसी से मेन वो मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब करता है ना वो रूट हेयर का काम है पानी एब्जॉर्ब करना, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे देखिए इसमें प्राइमरी तो दिख रहा है, प्राइमरी देखिए ये टैप रूट ये वाला है, ये देखें इससे जो निकला है ये वाला, ये देखिए ऐसे यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी रूट है और ये डेवलप नहीं था, ये प्लांट ही बहुत छोटा है ना इतना डेवलप नहीं था, वरना आप बड़ा कोई प्लांट देखेंगे कभी तो आपको समझ, बड़ा प्लांट देखेंगे उसमें समझ में आएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मतलब सब कुछ समझ में आएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रूट हेयर से आया, रूट हेयर का डेफिनेशन पूछा आप लिखेंगे द लैटरल रूट्स इन टर्न, लैटरल मतलब मेन रूट हुआ हमारा, ठीक है मेन रूट से हमारा सेकेंडरी रूट, ठीक है वो जो इंटर्न बोल रहा है कि इंटर्न बियर्स लार्ज नंबर ऑफ फाइन आउट ग्रोथ्स आर कॉल्ड रूट हेयर और टर्शियरी रूट, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्शियरी रूट या रूट हेयर का, टर्शियरी रूट का ऐसे नहीं पूछता है, रूट हेयर का पूछ लेगा आपको, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा ओके, पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। मेन रूट तो आप समझ ही गए हैं और उसके अलावा ये वाला रूट क्या होता है, तो रूट का डेफिनेशन भी आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। रूट इज टिपिकली नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, इट डज नॉट पजेस नोड्स लीव्स एंड बड्स बट इट इज ब्रांच एक्सटेंसिवली, रूट इज वेल सुटेड टू इस फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली। ओके थैंक यू।